तो क्लास का आज का लास्ट डे है। बाय नेक्स्ट वीक हमारे एग्जाम्स होंगी, तो उसके पहले कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स भी जरूरी है, हमको एग्जाम देना और उसके लिए प्लानिंग भी करना जरूरी है। किसी ने कहा है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी एग्जाम्स की तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो, याद रखो प्लान तो करना पड़ेगा। चिट्टी वाले यानी रिडक्शन वाले रिडक्शन की तैयारी करेंगे, कॉपी करने वाले कॉपी की तैयारी करेंगे उसकी प्लान करेंगे, और पढ़ने वाले पढ़ने की तैयारी करेंगे उसकी प्लान करेंगे। कैसे मैं एग्जाम्स को कैसे कुछ क्रैक करूं उसकी अपन प्लानिंग करेंगे। लेक्चर आ जाएगा बेटा यूट्यूब पे। तो कैसे कुछ प्लानिंग करें, क्या करें, तो उसके लिए कुछ मेरी तरफ से कुछ स्टोरीज ऐड करता हूं मैं, कुछ चीजें ऐड करता हूं, फिर बाद में आपको जैसे अल्टरेशन करना है इसमें, या फिर आपको लगता है कि इसमें और भी चीज ऐड करनी है तो आप आपकी हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कि जैसे कि अकाउंट्स के पेपर, क्योंकि अपन अकाउंट्स का लेक्चर ही पढ़ रहे हैं तो पहले तो अकाउंट से बात ही करूंगा। अकाउंट्स वाले पेपर वाले दिन मेरे को लगता है कि 4-5 दिन पहले छुट्टी है। कितना छुट्टी है? 6 दिन छुट्टी है। तो 6 दिन छुट्टी है तो मतलब बात बन गई, अपनी बात बन गई। यूजुअली नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि आपको अकाउंट्स के पेपर वाले दिन प्रैक्टिस नहीं करनी है और नहीं करनी है। क्यों? अरे साल भर करें ना प्रैक्टिस। अब साल भर करें प्रैक्टिस तो एग्जाम्स के पहले क्यों प्रैक्टिस करें? तो मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि रीडिंग करो, रीडिंग करो। रीडिंग क्या करो? कि सम्स को आपको रीड करना है, रीड करना है। मतलब कैसे रीड करना है? ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपना फाइनल अकाउंट का कोई सम्स है, हमने पहले 6 दिन बाकी है भी एग्जाम्स को अकाउंट्स के, और हमने पहले बुक्स निकाले, फाइनल अकाउंट लगा हमको पढ़ने के लिए, तो फाइनल अकाउंट निकाल दिए। तो फाइनल अकाउंट का क्या क्वेश्चन है? अच्छा ये क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है। तो मैं ये क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक पहले लिखा है, तो पहले मैं कैसे करता हूं? पहले मैं ट्रायल बैलेंस को पढ़ता हूँ, एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ, एडजस्टमेंट को टिक मार्क करता हूँ। ये रीड करना है तुमको माइंड के अंदर, सम सॉल्व नहीं करना है। तो रीड करेंगे मतलब इसको टिक मार्क करेंगे, माइंड में रीड करेंगे, अरे हाँ देखो टिक मार्क करना है। अब पोस्टिंग करना है तो पेन कागज लेके पोस्टिंग नहीं करना, ओरली पोस्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे? इमेजिन करना है, अरे इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक पेज पे आएगा, उसके बीच में एक लाइन आएगी, उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल आएगा, उसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या आएगा? बैलेंस शीट आएंगी। ऐसे इमेजिन करना है। फिर लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? अच्छा ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखते हैं, तो आंसर में चेक करेंगे हाँ ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं। उसके बाद में तुम चेक करोगे कि हाँ ये कैरेज इनवर्ट क्या लिखते हैं, तो कैरेज इनवर्ट शायद तुमको लगे कि वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे लिखते, तो देखोगे सच में आंसर में देखोगे कि ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा है, ऐसा तुमको रीड करना है। फिर लिखा है पैटर्न का लिखते हैं, तो मान लो कि पैटर्न किसी को लग रहा है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में लिखते हैं, तो उसको लग रहा है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में लिखते हैं, तो देखेगा कि हाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में, लेकिन आंसर में चेक कर तो मालूम पड़ा उसको तो एसेट्स में लिखते हैं। तो यू हमको सारे सम जितने भी सम्स हो गए हैं उसको रीड करना है, और जितने भी सम्स हो गए रेगुलर बैच के और करंट बैच के मतलब वेकेशन अपना रिविजन बैच के, तो वर्चुअली इम्पॉसिबल है तुमको इतने सारे सम्स करना, इतने सारे सम्स रीड करना, परेशान हो जाओगे। तो करना क्या है? जो अपने क्लास के LMR सम्स थे, इंपॉर्टेंट सम्स थे, वो तुम निकालोगे, और जिसको हाईलाइटर से मार्क करे है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि तो हाईलाइटर से मार्क करे मतलब कुछ कीमती है, एग्जाम्स के पहले इसको देख के जाना है, कुछ विशेष है, कुछ मेन एडजस्टमेंट है, वो तो वो रीड करके जाएंगे, उसको देख के जाएंगे, उसकी पोस्टिंग देख के आएंगे। लेकिन ये तो उनके लिए बात थी जिसके एग्जाम्स 1 दिन पहले है, हमको तो 6 दिन की छुट्टी मिली है ना, तो क्या प्लान करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए प्लान यही करेंगे, हमारे क्लास के जो LMR सम्स है, लास्ट मोमेंट रिविजन वाले सम्स है, हमको लगता है कि एग्जाम्स में आने वाले, या आपको जो लगता है एग्जाम्स में आने वाले, उसकी तुम तैयारी करोगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 तुम सबसे पहले निकालोगे, वो होगा नॉन ट्रेडिंग। क्या निकालोगे? नॉन ट्रेडिंग, पहला चैप्टर नॉन ट्रेडिंग निकालोगे। मैं कौन से डे की बात कर रहा हूँ? डे 1 की बात कर रहा हूँ मैं, डे 1। कितने दिन बाकी अपने को एग्जाम्स को? 6 दिन का पेपर है ना, 6 दिन के बाद एग्जाम्स है, तो 6 दिन गैप है। तो डे 1 को क्या करोगे तुम लोग? सबसे पहला नॉन ट्रेडिंग निकालोगे। नॉन ट्रेडिंग के अंदर क्या करोगे? तो बाय द बुक्स पेन पेंसिल लेके उसकी ड्राफ्टिंग करोगे, जो क्लास के सम्स हो गए हैं वही सामने सोल्यूशन रखोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करना, जनरली मैं स्टूडेंट्स को नहीं बोलता प्रैक्टिस करने के लिए, और जिसका भरपूर प्रैक्टिस हो गया है तो वो लोग सम्स को सिर्फ रीड करके जाएंगे, रीड करेंगे। प्रैक्टिस अगर हो गया होगा तो, और प्रैक्टिस अगर नहीं हुआ होगा
तो सम सू क्या करूंगे, बायकायदा प्रैक्टिस करते बैठूंगे, बार 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 प्रैक्टिस करूंगे। अगर नियम था है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करो, बेस्ट 5 सम्स, बेस्ट 8 सम्स वो मैं निकाल के देता हूँ, जिसको 40-35 मार्क्स लेने, तो वो 8 सम्स या 10 सम्स का तुमको पैकेज बना के देता हूँ, उसको भी तुम प्रैक्टिस कर देना। मतलब जैसे कि सवेरे मैं 8-9 बजे बैठा प्रैक्टिस के लिए, तो मैं उसको 2 बजे तक प्रैक्टिस करके वो 8 सम्स पूरे करूंगा करूंगा 8 सम्स मेरे होना ही चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं मैं, नॉन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। और बाय शाम में होते होते वही 8 सम्स की मैं दोबारा प्रैक्टिस करूंगा, वही सेम सम्स मैं दोबारा प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। तो 2 बार प्रैक्टिस हो गया, अब ये रात को फिर से हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर लेंगे, कौन सा, फाइनल अकाउंट लेंगे, फाइनल अकाउंट पढ़ना चालू करेंगे। वैसे ही करेंगे जैसे नॉन ट्रेडिंग करते, नॉन ट्रेडिंग के कुछ सम्स होंगे, सॉरी फाइनल अकाउंट कुछ सम्स होंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। 8 या 10 सम्स होंगे, 8 या 10 सम्स का पैकेज लेंगे हम लोग, तो 8 या 10 सम्स में से उसके आधे से ज्यादा सम्स हम लोग आज ही कंप्लीट कर देंगे। मैं D1 की बात कर रहा हूं, तो D1 में क्या क्या हो गया, नॉन ट्रेडिंग सवेरे हुआ, दोपहर में वापस से क्या करें, थोड़ा ब्रेक लेके, थोड़ा रेस्ट करके, खाना के बाद लगा तो नींद मार लो, रेस्ट करो, थोड़ा सा टीवी देखो, और फिर से आ जाओ पढ़ाई की तरफ, बस व्हाट्सएप फेसबुक से दूर रहना, ओके। तुम्हारा 2-3 घंटा चले जाएगा उसके अंदर, और फिर टाइम जाएगा, वो एडिक्शन लगेगा कि अरे कल भी वापस बैठूंगा, कल भी परसों भी ऐसे करूंगा, उसी के टाइम भी करूंगा, SP के टाइम भी करूंगा, तो रोज बैठूंगा ऐसा। तो मोबाइल छोड़ के लगा दो, टीवी देख लो आधा घंटा 1 घंटा, थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, और फिर 2 घंटा ब्रेक लेने में फिर दोबारा क्या करो, वही जो नॉन ट्रेडिंग पढ़े थे उसको दोबारा हम शाम को वापस पढ़ेंगे, याद रहेगा। और फिर जब रात को सोने का समय होगा, 3-4 घंटा बाकी होगा, तो हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट कितना पढ़ेंगे, हाफ, इतना पढ़ेंगे हाफ, मतलब अगर 8 सम्स का पैकेज होगा, 10 सम्स का पैकेज होगा, तो 5 सम्स हम लोग आज ही रात को कंप्लीट कर देंगे। तो अपने कितने चैप्टर हो गए, 2, एक तो हाफ हो गया, 2 का फाइनल अकाउंट हाफ हो गया। अगले दिन सवेरे आएंगे, सवेरे आग खुलेंगे, तो सवेरे जब आग खुलेंगे तो फाइनल अकाउंट दोबारा वापस लेके बैठेंगे, दोबारा वापस लेके बैठेंगे। और फाइनल अकाउंट जैसा प्रैक्टिस होगा, तो क्योंकि 40 सम्स बाकी होंगे, हाफ ही सम्स बाकी होंगे, तो सवेरे वो फाइनल अकाउंट भी खत्म हो जाएगा। तो कितने चैप्टर हो गए अपने पास में, 2। तो 2 चैप्टर होने के बाद में, सुनो, 2 चैप्टर होने के बाद में जो नॉन ट्रेडिंग कल पढ़े थे ना, उसको वापस निकालेंगे, 8 सम्स वापस निकालने का, क्वेश्चन रखने का, सोल्यूशन रखने का। जमता है तो वापस प्रैक्टिस करो, जमता है तो वापस प्रैक्टिस करो, नियमता तो रीडिंग करो। जो लोग का प्रैक्टिस है वो लोग रीड करेंगे, जो लोग का प्रैक्टिस नहीं है उसको वापस से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखोगे कि तुम्हारा कितने बार रिविजन हो गया नॉन ट्रेडिंग का, 3 बार हो गया। शाम में, सेकेंड डे के शाम में फिर से फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस करेंगे। तो फाइनल अकाउंट कितने बार हो गया, 2। और रात को सोते सोते अब सब लोग करेंगे रिविजन, करेंगे किसका, नॉन ट्रेडिंग का। तो कितने बार हो गई, 4 बार प्रैक्टिस हो गई, कितनी बार हो गई प्रैक्टिस, 4 बार। अगले दिन जब सवेरे उठेंगे, तीसरे दिन की बात कर रहा हूं, अब समझ में आ रहा, थर्ड डे क्या करोगे, थर्ड डे सिंगल एंट्री लोगे, सिंगल एंट्री हार्डली 2-2.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। जैसा पूरा हुआ सिंगल एंट्री 2-2.5 घंटे के अंदर, फिर से कल का जो फाइनल अकाउंट था ना वो वापस देंगे। तो क्या हो गया, नॉन ट्रेडिंग एक तरफ 4 बार रिविजन करे ना, थोड़ा पक्का हो गया, पक्का हो गया। तीसरे दिन की बात कर रहा हूं, बेस बन गया उसका अपना अच्छे से। और क्या करे अपना, नॉन ट्रेडिंग का बेस बन गया, अब फाइनल अकाउंट का रिविजन बन गया, दूसरी बार तीसरी बार रिविजन चल रहा है उसका, तो 3 बार और जाम बच जाएगा और अच्छे से हो जाएगा अपना। तो जैसे सिंगल एंट्री कंप्लीट हुआ, दोपहर में वापस से एडमिशन का सम्स ले लेंगे, किसे सम्स लेंगे, एडमिशन का। एडमिशन का सम्स हुआ, जितना होगा उतना प्रैक्टिस करो, बाकी थोड़ा अगर बच गया तो नेक्स्ट डे के रखो, लेकिन रात को सोने से पहले 3-4 घंटे गैप देना। क्या करोगे उसके पहले, फिर दोबारा फाइनल अकाउंट का रिविजन करेंगे, 4 बार हो गया उसका भी, उसको भी बंद, उसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसका। अगले दिन सवेरे, यानी कौन से डे, 4th डे, जब अगले दिन जब सवेरे फिर से जाग आएगी, तब हम लोग क्या करेंगे, नॉन ट्रेडिंग का, सुनो मैं क्या हो रहा हूं, नॉन ट्रेडिंग को रीडिंग करेंगे 2 या 3 सम्स बस खत्म कर रहे हैं। मेन सम जो तुमको लगते कि 8-10 सम्स का मेन सम्स कौन से हैं, उसको एक बार रीडिंग करेंगे। रीडिंग का मतलब क्या, इसकी पोस्टिंग इधर है, इसके एडजस्टमेंट इधर है, इसके पोस्टिंग इधर है, इसके एडजस्टमेंट इधर है। ऐसे फाइनल अकाउंट का भी हम लोग 2-4 सम्स निकाल के उसकी ओवरऑल क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, दिमाग में रहेगा तुम्हारा ताजा, तुम भूले ऐसा लगेगा नहीं तुमको कुछ भी। और सिंगल एंट्री का वापस से क्या करेंगे, तुम एक बार रिविजन करेंगे, तो तुम्हारी दोपहर उसमें ही निकल जाएगी, दोपहर में उससे कम ही टाइम लगेगा। तो एडमिशन का कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस, ये कौन से डे बात कर रहा, 4th डे, एडमिशन और रिटायरमेंट उसी दिन कंप्लीट होने मन था,
एडमिशन रिटायरमेंट उसी दिन कंप्लीट होने बनता, और उसी एडमिशन और रिटायरमेंट को हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, ये फिफ्थ डे वाले सॉरी फोर्थ डे वाले दिन पूरा कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ डे जब जाएंगे, पांचवें दिन जब जाएंगे हम लोग, तो पांचवें दिन हम लोग ये एडमिशन और रिटायरमेंट के दोबारा प्रैक्टिस करेंगे सवेरे उठ के। मतलब जो आज पढ़े ना वही चैप्टर कल कंटिन्यू करना अपने को, और डेजोल्यूशन क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस होने के बाद में, एडमिशन रिटायरमेंट प्रैक्टिस होने में डेजोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और तुमने देखे डेजोल्यूशन के सम्स कितने इंपॉर्टेंट है, कितने इजी है, और ज्यादा फोकस इसके ऊपर देंगे, जर्नट्रीज के ऊपर देंगे। जैसे दोपहर का टाइम हो गया, बिल्ज वैक्सीन निकालो, बिल्ज वैक्सीन की पढ़ाई करना चालू कर दो। कौन से डे वाले दिन बोल रहा हूँ, फिफ्थ डे, फिफ्थ डे सब पूरा हुआ रिविजन। अब जब सवेरे वापस आएंगे सिक्स डे, लास्ट डे अपने पास में, आप सब वापस से पढ़ाई करेंगे। कौन सा पढ़ाई करेंगे पूरा, कौन सा क्या क्या पढ़ेंगे? पहले सवेरे जब आग खुलेंगी फिर से बिल्ज वैक्सीन पढ़ेंगे, क्योंकि ताजा दिमाग में वो बिल्ज वैक्सीन को वापस पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, डेजोल्यूशन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, रिटायरमेंट, और क्या पढ़ेंगे, एडमिशन, और क्या पढ़ेंगे। अच्छा, क्या सिर्फ पढ़ना, तुमको रीडिंग करना है, क्योंकि प्रैक्टिस हमने पांच दिन कर दिए, ये छठे दिन को क्या करना है, सिर्फ रिविजन करना है तुमको, देख देख के लेना, ऐसा पूरा दिन भर करेंगे। शाम का टाइम आएगा तो फिर से दोबारा जो अपने पैटर्न बने थे वो पैटर्न फिर से फॉलो करेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फाइनल अकाउंट, वो सबकी वापस से रीडिंग करेंगे। छठे दिन पूरा होने के बाद में, क्योंकि छठे दिन अपना पूरा रिविजन करना दो बार जरूरी है, रीडिंग करना जरूरी है। पांच दिन प्रैक्टिस करो, तुमको जैसे लगती वैसी मैंने जो बताया पैटर्न से वो, नहीं तो कोई और पैटर्न, और पैटर्न से तो और पैटर्न से उसे प्रैक्टिस कर लो, करे प्रैक्टिस। अब पांचवें दिन खत्म होने आदमी छठे दिन क्या करेंगे, उसको रीडिंग करेंगे। अब सातवें दिन जब एग्जाम से अकाउंट्स के, तो सवेरे जल्दी उठेंगे, लेकिन जल्दी सोएंगे पहले तो। मतलब अपने को बोलो कि जिसको पाँच छः घंटे की नींद नहीं बोलूंगा मैं, आठ एक घंटे की नींद आराम से लूंगी, फ्रेश नींद। घर वाले उठाए तो उठो मत, 8 घंटे की एकदम फ्रेश नींद। और फ्रेश उठने के बाद में लेकिन जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। और सवेरे जितने भी अपने क्लास के बुकलेट थे उसके अंदर क्या क्या लिखा था, ऑब्जेक्टिव्स, आंसर इन वन सेंटेंस, ट्रू ऑफ फॉल्स लिखा था, और फिल बैंक्स लिखा था, बराबर है, फिल बैंक्स। तो एक बार तुम फिल बैंक्स पढ़ लोगे, आंसर इन वन सेंटेंस पढ़ लोगे, और राइट वर्ड टर्म्स ऑफ फ्रेज भी पढ़ लोगे, कब, एग्जाम्स वाले दिन, बराबर है, एग्जाम्स वाले दिन पढ़े। पढ़ने के बाद में अभी 10-11 बजे पेपर है, समझो 10 बजे पेपर है, 10 बजे जाना है, तो आधा एक घंटा पहले पढ़ने का नहीं, छोड़ डालने का, रख डालने का, बस जो होगा देखे जाएंगे। और जो लोग ने मुझसे कुछ टेक्निक सीखे ना टेक्निक, जो लोग ने नहीं सीखे तो बाद में सीख लेंगे। तो जो लोग ने मुझसे टेक्निक करे है, सीखे हैं, तो वो टेक्निक तुम प्रैक्टिस करके फिर कॉलेज की तरफ जाएंगे, गए। सिर्फ किसको बेस्ट ऑफ लक बोलते ना, बट मैं ना बेस्ट ऑफ लक, तो किसको बेस्ट ऑफ लक बोलते ना बैठेंगे, कौन से पेपर वाले दिन बोल रहा, अकाउंट्स वाले दिन बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट किधर एंट्री करने का, हॉल में। जैसे 10:30 बजे 11 का पेपर है ना, मान लो 11 पेपर है, तो 10:30 बजे तुमको अंदर बुला देंगे। जैसे अंदर आए तो पहले जाके अपना बेंच किधर है, नंबर किधर है, पहले देख लेने का, जाके पहले बैठ जाने का। शार्पनर नहीं है पेंसिल को, तो शार्पन अपन करके एकदम रेडी, जैसे कि अब तू पेपर दे, अभी के अभी स्टार्ट कर दूंगा,